कलमना पुलिस स्टेशन अंतर्गत गाली गलौज करने को लेकर विवाद में एक युवक ने दूसरे पर तेज हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कलमना पुलिस स्टेशन अंतर्गत भवानी नगर कलमना बस्ती प्लॉट नंबर 21 जूना कामठी रोड निवासी फैजान परवेज मैसूरी उम्र 18 साल कामठी की ओर से मोपेड गाड़ी पर सवार होकर जूना कामठी रोड पोटे रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। वहां पर कटरे लेआउट गणेश नगर निवासी करण अशोक वर्मा उम्र 26 साल मौजूद था। फैजान के पहुंचने के बाद करण ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के चलते फैजान ने तैश में आकर अपने पास से धारदार हथियार निकाला और करण पर जोरदार प्रहार कर दिया। कल 28 जनवरी को कलमना पुलिस थाने के एरिया में जूना कामठी रोड पे फैजान नामक एक इसम ने करण को एक धारदार शस्त्र से घायल कर दिया था। उसके उपचार शुरू था और ट्रीटमेंट के दरम्यान उसका मौत हो गया और FIR रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन में। आरोपी को अरेस्ट किया है, आगे का इन्वेस्टिगेशन। मोटर्स मतलब सडनली इंसिडेंस एक हुआ था कि मोटरसाइकिल पे जाते समय धक्का लग गया था, यही इंसिडेंस था। इस हमले में करण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद करण को तत्काल उपचार के लिए सिटी अस्पताल कामठी में भर्ती किया गया, जहां पर उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस आरोपी फैजान के खिलाफ धारा 307 302 के तहत मामला दर्ज किया है। उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन माइकल रामापुरे के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।